कोकरनाक अनंतनाग का इनकाउंटर लगातार जारी है और 30 घंटे से जायद हो चुका है। इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कई अगर ये देखा जाए, इससे पहले भी कुछ समय पहले फायरिंग का तबादला फिर से शुरू हुआ और इस वक्त अगर फायरिंग का तबादला थम चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी लगातार जारी है। और साथ ही साथ अगर इंट्री एग्जिट पॉइंट्स की बात करें, इंट्री एग्जिट पॉइंट्स को जो कि है सील करके रखा है। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लाइव तस्वीरें आप अभी देख सकते किस तरीके से यहाँ पर सैनिक जवान जो कि है काम में लगे हुए हैं, ताकि जो भी मिलिटेंट इस घने जंगल में फंसे हुए हैं उसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि ये इनकाउंटर जो कि है ज़्यादा लंबा न हो जाए। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस इनकाउंटर में जो कि है अभी तक सेना के 3 टॉप जो कि ऑफिसर्स है वो इसमें मारे जा चुके हैं। कर्नल मनप्रीत के साथ साथ अगर जो मेजर आशीष की बात करें, और साथ ही साथ अगर जो जम्मू कश्मीर पुलिस का DYSP हेमंत की बात करें, वो इनमें से हलाक हुए हैं। और साथ ही साथ इस वक्त भी जो कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और साथ ही साथ ये देखना होगा कि ये इनकाउंटर जो है कब तक होगा ये। और साथ ही साथ बताया जाता है कि इस किलिंग के पीछे उज़ैर खान जो कि लश्कर तैयबा का मिलिटेंट है, इसके पीछे उसी का हाथ है। और साथ ही साथ बताऊँ कि वो लोकल ही है, उज़ैर खान लोकल ही है और उसके पीछे इस किलिंग में वो शामिल है। और साथ ही साथ ये बात बिल्कुल बता दूँ कि इस इनकाउंटर में जो कि है अभी तक 3 ऑफिसर मारे गए हैं। और साथ ही साथ अभी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जब सिक्योरिटी फोर्स को सूचना इतला मिली कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए, तो सिक्योरिटी फोर्स ने जब इस घने इलाके को मुआयना में लिया। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वो घने जंगल थे जहाँ पर अभी इनकाउंटर चल रहा है। और साथ ही साथ अब देखना होगा कि कितना टाइम इसमें लग सकता है कि इस इनकाउंटर को जो कि है जल्द से जल्द ख़त्म करें, क्योंकि सैनिक के जवान जो कि है काम में लगे हुए हैं, ताकि वो भी यही चाहते हैं कि कब इस इनकाउंटर को जल्द खत्म हो जाए। अदनान शफी, नवभारत न्यूज़, अनंतनाग, कश्मीर।